हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची थ्रिल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। पहली बात, आप लोग, मैं जब ब्लॉग शूट करती हूँ तो ऑलमोस्ट मैं पिछले कुछ दिनों से तो मतलब जब मैं ब्लॉग जो लाइव किया उसमें ये ब्लैक सूट ही पहनी होंगी और ये दुपट्टा। तो मैं ये बता दूँ कि अभी जो मेरे घर में चल रहा है चीज़ें उसमें हम लोग कपड़े ज़्यादा यूज़ नहीं करते। दो कपड़े बस पहनते थे, एक नाइटी मैं चेंज करती हूँ और एक ये थोड़ा कम्फर्टेबल है इसलिए मैं ये, क्योंकि बहुत पतला कपड़ा है तो इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एंड वैसे घर में जो भी रिचुअल होने थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं मतलब चुटका वगैरह वो सब ख़त्म हो चुका है, दस्कातर हो चुका है। बट जो मेन फंक्शन होता है जैसे कि हम लोग का होता है ना कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब बच्चा होता है, तो छठियार, शादी और कजिया, मतलब लास्ट अंतिम वो चीज़। तो वो लास्ट वाला फंक्शन थोड़ा वो धूमधाम से किया जाता है उस इंसान के नाम से। जैसे छठियार मतलब बच्चे होने के बाद से छठियार होता है तो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद ही कुछ शुभ काम वगैरह होता है क्योंकि वो भी एक तरीके का मतलब यही मानते हैं छुटका टाइप का। जो बिहार से होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और हमारे यहाँ पर एक्चुअली 16 दिन पर ये सब चीज़ होगा। तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर रही क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या शूट करो क्या नहीं करो। दिन भर हम लोग बैठ के मतलब मैं, भाभी और दोनों मेरी दीदी लोग हैं, हम लोग एक पास ही बैठे रहते हैं, कभी कुछ बात करते कभी कुछ, क्योंकि सिचुएशन घर की ऐसी है कि ना आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं ना आप लोग समझ भी नहीं पाओगे उतना कुछ जो भी शेयर करेंगे। और इस टाइम पे घर वाले ही एक दूसरे के साथ हो, अभी तो सब लोग ये प्रे कर रहे हैं कि मेरा बॉडी मतलब ईजिली जल्दी से खाली हो जाए और जो भी हो वो अच्छे से सेफ हो जाए। और गिनते गिनते मतलब सब लोग प्रे कर रहे थे कि ये सब चीज़ होने के बाद ही हो। तो अब गिनते गिनते कितने दिन बच गए हैं लकी, ये आम खा रही है। और यहाँ का ना सिस्टम ऐसा हो गया, नाइफ से ऐसे काट काट के काट काट के काट काट के काट काट के आम खाते हैं। मतलब सब लोग नाइफ से ही काटते हैं बट इन लोगों का थोड़ा अलग स्टाइल है जो कि मैं कभी और दिखाऊंगी। जो अभी अर्णव और लकी दोनों ही खाते हैं, जैसे अल्फेंजो वाला होता है ना मैंगो कट कर करके स्क्वायर में, वैसे खाते हैं। तो अब आज का डेट है जो वो है आई थिंक 30 है ना, तो और 2 दिन बाद हमारे घर पे वो है कजिया। आप लोग के यहाँ आज एनिवर्सरी है, बट एनिवर्सरी कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, प्लस मन भी नहीं हो रहा है किसी को सेलिब्रेट, क्या ही होगा। बस अब हम लोग जो चीज़ हो चुका है ना उसके रिलेटेड बात नहीं कर रहे उतना ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जितना बात कर रहे सारी चीज़ें याद आ रही हैं और फिर खुद ही दुख होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि दी, मेरा और टॉप पतला हो रहा है, दी क्या हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो बताओ। बहुत सारे लोग अपना खुद का ओपिनियन भी देते जा रहे थे कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, इसलिए मैं कमेंट्स मोस्टली ऑफ कर रही हूँ बिकॉज सब कोई व्लॉग देखता है, मेरे घर पे भी सब कोई देखते हैं, फिर वो लोग भी कमेंट्स के थ्रू जाएंगे और उन लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है कॉमेंट में, तो इसलिए मैं कॉमेंट को ऑफ कर दे रही हूँ। एंड अब बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद से फंक्शन होगा, उसके बाद ही कुछ भी जो अच्छा काम होता है वो होगा हम लोग के, मतलब जैसे कि कजिया होने के बाद नेक्स्ट डे हमारे घर अच्छा अच्छा खाना बनेगा क्योंकि वो उसके बाद ही स्टार्ट होता है कुछ भी तलना वलना, अदरवाइज़ नहीं होता है। और ना मेरे लाइफ में मतलब ऐसे मेरे दादा दादी जी की डेथ हुई थी बट वो भी मैं उतना अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई थी। दादी के टाइम पर मैं लड्डू था तो मैं प्रेगनेंट थी तो नहीं बोला लोग, बस कजिया में गई थी। और दादा के टाइम पे मैं सिवान में थी, बस जिस दिन हुआ था उस दिन मैं डायरेक्ट गई थी, लड्डू के बर्थडे के अगले दिन ही हुआ था तो सुबह 4-5 बजे हो गया था। तो यहाँ से मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके 1 महीने रही थी, उसके बाद अगले दिन सुबह ही आ गया था फ़ोन। कोलाब्रेशन के भी वीडियोज़ मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, एंड देन करो तो अच्छे से करो अदरवाइज समझ नहीं आता है। फिलहाल हम लोग सब लोग इस रूम में सोते हैं, मतलब कि मेरी दोनों दीदी लोग, एक और दीदी आती हैं वो दीदी, और लड्डू के पापा, लड्डू, लकी, अर्णव, हम सब मेरे ही रूम में सोते हैं क्योंकि ना थोड़ा साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है, प्लस बच्चे हैं तो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ रहे और मुझे भी कोई अकेले नहीं छोड़ रहा बिकॉज
बोलते हैं ऐसे डबल बॉडी है मेरी, तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें इस टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, तो इस वजह से कोई ना कोई मेरे साथ रह ही रहा है हमेशा अभी भी, मतलब दीदी लकी या फिर कोई ना कोई एक जन रहता है। और थोड़ा सा हम गर्मी के दिन में कौन बर्फ का पानी पीता है? सब कोई पीता है, बर्फ का तो नहीं, ठंडा पीता है। नहीं मैं बर्फ का पीता हूं, मैं पीती है बस रखती नहीं है ना और रखती है बुआ तो बोलती है मैं धोके रख रही हूँ, ये लोग पी ले रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग हैं ना तो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है दिमाग। और आजकल तो लूडो भी चल रहा है स्टार्ट हुआ। कितने ठंडा लकी इतना गाट खेलती है ना, गाट या गाल गलत खेलती है एकदम, अपने बुआ से सीख गई है ना। और बोलती है भतीजी किसके हैं हम लोग सब। अभी तो मैं 2-3 दिन से तो माँ वैष्णो की मतलब मूवी देख रही थी, जो कि अभी तक बस मेरे को लगता है 20 मिनट ही देखी होंगी, एक दिन 10 मिनट। रात में सोते वक्त नींद नहीं आता है ना, और थोड़ा सा दिमाग में उल्टा पुल्टा चलता है, तो सब लोग बोलते हैं भक्ति वाला चीज देखो, भक्ति वाला, तो भक्ति देखते देखते ही सो जाते हैं। मेरा एक दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया, उसकी जगह पे बड़ा वाला दांत आ रहा है। सबका यहाँ बड़ा दांत होता है, इनका यहाँ बड़ा दांत होगा। अभी तो हम लोग ब्रश भी मतलब दतुन से कर रहे हैं हम, मैं ब्रश आजकल लकी ब्रश होता है कि ब्लश? ब्रश ब्लश ब्लश तो यहाँ होता है, ब्रश। चलिए अभी हम लोग, टाइम हो चुका है शाम का, खाना पीना बनाएंगे खाएंगे और फिर अब ये नॉर्मल हो चुका है आप लोग के ऊपर फेंक के बता दीजिए आप लोग बता नहीं खुद के ऊपर ठंडा लगे बताइए कि ये कितना ठंडा है, दिख रहा है बताइए ये कितना ठंडा है, ठंडा है मुंह पर डालने का मजा आएगा तो बस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि आई होप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे, बट धीरे धीरे बातें कर लेंगे हम लोग, अभी क्या ही बात करें कुछ समझ नहीं आता है। बस कल से स्टार्ट होगी शॉपिंग, कुछ कुछ जो खाने पीने की है एंड कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों को देनी है, और मैं आप लोगों को कजिया में दिखाऊंगी कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो तो धूमधाम से होगा, तो उसको सेलिब्रेट ही करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि ऐसे अब तो जो हो गया वो हो गया। तो सब लोग बोलते हैं बस बात बात कुछ नहीं करनी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस आगे बढ़ो। तो हम लोग बस व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि काम रोकने से कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ आगे बढ़ती है। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। लड्डू थोड़ा आ गया है तो मन हम लोगों का चहल पहल होता रहता है ना, दौड़ाते रहता है लड्डू, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। मेरे यहाँ पे खरोच दिया है, उसका नाखून नहीं कटा है, हम लोगों का कट गया है, हम लोगों के हजाम काटते हैं और यहाँ तो ज़्यादा लग रहा है, ये लड्डू कटा है कल का है, झूठ लड्डू के लिए गाइए। चलिए अच्छा बाबा जो बोलोगे वो करूंगी, तो लड्डू जो वैसे बोलता है करना ही पड़ता है, नहीं तो मारपीट करने लगता है। पक्का पक्का बाबू बोल, और मेरा बाबू लाडा लगा और मेरे लड्डू का नाम आ गया गाने में। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। आई होप एक दिन के बाद आएगा ब्लॉग, अभी आएगा कि नहीं पता नहीं, बट कोशिश करेंगे हम लोग। और सबसे बेकार चीज़ क्या है इस घर में, सबसे कम फ़ोन कौन यूज़ करता है? लकी आप, क्योंकि आपका डाटा ही नहीं चलता है। मेरा नेट ही नहीं चलता है, और मतलब ये पहली मैं ऐसी इंसान हूँ जो मेरे से ज्यादा जियो का, और हमारे यहाँ ना एयरटेल यूज होता है, सब लोग मतलब फोन चलाते रहते हैं और मैं सबका मुंह देखते रहती हूँ। मैं तो मेरे फोन में अगर मुझे कुछ चलाना होगा ना तो सिर्फ फोटोज देख सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी मैं फोन फॉर्मेट की हूँ तो फोटोज भी बहुत कम है। लेकिन सब लोग शॉर्ट्स, तो इंस्टाग्राम, तो यूट्यूब, तो पता नहीं क्या क्या। मैं दूसरे से बोलती हूँ थोड़ा हॉटस्पॉट दे दो यार, और मैं हॉटस्पॉट आधे टाइम इसलिए ले रही हूँ कि दूसरों का डेटा रिचार्ज कर पाऊँ, इसलिए नहीं कि मैं अपना यूज कर पाऊँ। तो जब उन लोगों का मतलब ऐसा नेट फास्ट चल रहा है, लड्डू के पापा का तो 5G चल रहा है,
पता नहीं 5G नाम के लिए चल रहा है, बट आज लैपटॉप कनेक्ट किए तो लैपटॉप भी नहीं कनेक्ट हो रहा था, ऑफिस का काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। आज वो सोचे थे कि अब 12 दिन हो गए तो करने के लिए, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं ऑफिस का काम, तो इसीलिए आज उनका नेट ही नहीं कनेक्ट हुआ। कल भी नेट ही नहीं कनेक्ट हुआ तो बोले कि मैं बंद कर दे रहा हूँ, अब जब सब ख़त्म होगा तब नेट का कुछ वो करके तब करेंगे हम लोग। और मेरा नेट तो इतना वाहियात है कि मेरा फ़ोन भी कहाँ रहता है मुझे पता नहीं रहता। अभी कूलर के ऊपर था तो मैं उठा के ब्लॉग। और आंटी ने जो इंस्टा या यूट्यूब पे जो बेबी के साथ डाला है ना, माँ और बेटा, वो ना लड्डू है। जो दिमाग वाले हैं ना वही समझ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अभी डिलीवरी हुई नहीं है, तो जो भी पिक्स भी वीडियोस जा रहे हैं वो लड्डू के साथ ही है। तो अभी आ गई है छोटी दीदी, तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। मेरे छोटी दीदी को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे घर में यही सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाती हैं, मेरे से कम तो ये फ़ोन चलाती हैं। इनके पास तो फ़ोन ही नहीं है अभी तो मेरे से कम ये चलाई, दूसरे नंबर पर मैं हुई। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। और हम लोग ना छोटी वाली बुआ को इसलिए पहचान जाते हैं क्योंकि उनका पायल कुछ अलग टाइप का है, उनका झुन 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 बजते ही रहता है पायल दुल्हन वाला। और वो टकला भैया, टकला भाई, सब लोग अभी टकले ही हैं यहाँ पे, लड्डू वड्डू सब लोग टकले हो चुके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय। चिप्स कौन खाएगा? बाय।